स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप रिलेशनशिप इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बट स्पेशल कंडीशन क्या है स्पेशल कंडीशन है वेन द प्राइस इज कॉन्स्टेंट अब प्राइस इज कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है देखो दो तरीके से रिलेशनशिप हमें पता है या फिर हमें इतना पता है कि मार्केट दो तरीके से वर्क करता है एक परफेक्ट कंपटीशन जहां पे आप कितने भी गुड्स ले लो कितने भी यूनिट्स ले लो प्राइस चेंज नहीं होगी ठीक है परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे इंडिविजुअल फॉर्म्स प्राइस चेंज नहीं कर सकती है जैसे कि वेजिटेबल मार्केट अब वेजिटेबल मार्केट एक परफेक्ट एग्जांपल होता है परफेक्ट कंपटीशन का वहां पे अगर आप कोई भी वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो आप देखोगे कि सारे लोग एक ही जैसे गुड्स बेच रहे हैं और एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं वहां पे अगर कोई भी पर्सन प्राइस थोड़ी सी भी चेंज करेगा ना तो उसका मार्केट पूरा बदल जाएगा अगर दस लोग हैं सब लोग फाइव रुपीज पर किलो पे कोई गुड्स बेच रहे हैं या फिर कोई वेजिटेबल बेच रहे हैं और एक बंदा अगर सिक्स रुपीज पर यूनिट पे बेचेगा ना या पर किलो पे बेचेगा तो उससे कोई नहीं खरीदेगा तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे प्राइसेस सेम रहती है आप एक यूनिट लोगे तो भी मैं टेन रुपीज पर यूनिट पे दूंगा आप दो यूनिट लोगे तो भी मैं टेन रुपीज पर यूनिट पे दूंगा थ्री ले लो फोर ले लो या फाइव ले लो आई विल गिव यू टेन रुपीज पर यूनिट ओनली देर इज नो डिस्काउंट दूसरे टाइप का मार्केट होता है जो रिटेल मार्केट होता है हम हम जो रिटेलर्स के साथ में डील करते हैं आप एक यूनिट लोगे तो शायद आपको टेन रुपीज में देगा दो यूनिट लेने पे थोड़ा डिस्काउंट दे देगा थ्री रूपीज थ्री यूनिट्स लेने पे और डिस्काउंट दे देगा फोर यूनिट्स पे और ज्यादा डिस्काउंट दे देगा ठीक है वो हम आगे वाले आने वाली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में अभी के लिए हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एन द प्राइज इज कॉन्स्टेंट प्राइज इज कॉन्स्टेंट देख लो टेन 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 एंड टेन ठीक है यहां पे सबसे पहले हमने निकाला है टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी टेन इंटू वन इज टेन टेन इंटू टू इज ट्वेंटी टेन इंटू थ्री इज थर्टी टेन इंटू फोर इज फोर्टी एंड टेन इंटू फाइव इज फिफ्टी एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है हमें पता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस तो प्राइस का कॉलम एज इट इज उठा के लिख दो ठीक है और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है नीचे वाले में से माइनस करते जाओ टेन माइनस जीरो जीरो क्यों जब आप जीरो यूनिट सेल कर रहे थे तब तो आपका रेवेन्यू जीरो रहा होगा तो टेन माइनस जीरो इज टेन ट्वेंटी माइनस टेन इज टेन थर्टी 20 ट्वेंटी इज टेन फोर्टी माइनस थर्टी इज टेन एंड फिफ्टी 40 फोर्टीज अगेन 10, 10. अब यहां पे जो चीज हमें नोट करनी है वो हमें क्या नोट करनी है सबसे पहली चीज आप नोट करोगे यहां द एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोट प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम है जो हमें पहले से पता है द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू नोट इज एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि प्राइस इज इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में नॉट ऑलवेज ट्रू ये कब होगा जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी तब प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होंगे देखो प्राइस भी टेन 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 एंड टेन है एवरेज रेवेन्यू भी टेन है और मार्जिन रेवेन्यू भी हर लेवल पे टेन ही है यानी जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली देखो जब आपने वन यूनिट सेल किया तब भी आपको टेन मिला टू यूनिट्स पे भी टेन मिला थ्री पे भी टेन मिला फोर पे भी टेन मिला और फाइव पे भी आपको टेन मिला दैट मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन ठीक है मेरे से एकदम स्ट्रेट नहीं बना है बट दैट विल बी एग्जैक्टली स्ट्रेट और ये जो ग्राफ है ये जो कर्व है ये आपको क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है दिस इज नथिंग बट योर प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू या फिर मार्जिनल रेवेन्यू तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर वेन द प्राइज इज कॉन्स्टेंट ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइज कर्व कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ठीक है ये चीज याद रखना एक और चीज जो हम लोग याद रखेंगे वो ये है कि हेयर वेन द प्राइज इज कॉन्स्टेंट डिमांड डिमांड इज डिमांड इज वॉट डिमांड इज परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक ये चीज याद रखेंगे इन दिस केस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब था याद करो प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी स्लाइटली भी अगर चेंज होगी तो आपकी डिमांड इंफिनिटी से चेंज हो जाएगी यही होता है परफेक्टली लास्टिक और ये टॉपिक चालू करते हुए मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल मार्केट में ऐसा ही होता है अगर सारे लोग टेन रुपीस पर किलो में कोई वेजिटेबल सेल कर रहे हैं और आपने प्राइस बढ़ा के इलेवन रुपीस कर दी तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा आपके लिए डिमांड अचानक से जीरो हो जाएगी ये चीज आप याद रखना सो इन दिस केस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक कब एन द प्राइस इज कॉन्स्टेंट सेकेंड चीज प्राइस ज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू किस केस में When the price is constant. और हमारा कर्व कैसा या फिर एवरेज रेवेन्यू का कर्व बोल लो या फिर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बोल लो कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस समझना है अब चलते नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर हम बात करेंगे दूसरे रिलेशनशिप के बारे में